प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से दिए गए अपने भाषण में कई बड़ी बातें कही। पीएम ने अपने भाषण में विपक्ष पर भी हमला बोला। इस दौरान हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने विपक्षी नेताओं को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग प्रगति नहीं देख सकते, ऐसे लोग निराशा के गर्त में डूबे हुए हैं। मोदी जी का ये पूरा बयान सुनिए। कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते, कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो, तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे मुट्ठी भर निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग जब उनके गोद में विकृति पलती है, तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे जो छुटपुट निराशावादी तत्व होते हैं, वो सिर्फ निराश है इतना नहीं है, उनकी गोद में विकृति पल रही है। ये विकृति विनाश के सर्वनाश के सपने देख रही है, ताने बाने जोड़ने की प्रयासों में लगी हुई है। देश को इसे समझना होगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि वो चाहते हैं कि देश के 1,00,000 युवा ऐसे युवा जिनके परिवार का कोई राजनीति से ना हो, राजनीति से कोई नाता ना हो, वो राजनीति में आए। उन्होंने कहा कि ये युवा किसी भी दल में जा सकते हैं, इससे देश का लोकतंत्र और मजबूत होगा। ये बाइट सुनिए। जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। वहीं कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप की वारदात पर भी पीएम मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से अपने बयान दिए और राज्य सरकारों को महिला सुरक्षा के प्रति आगाह किया। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं, तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है, लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है, तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। समान नागरिक संहिता बीजेपी का एक पुराना मुद्दा रहा है, लेकिन इस दिशा में अब प्रधानमंत्री मोदी ने पहल कर दी है। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया। सुनिए। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चर्चा की, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं। ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता, और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें
सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। वहीं पीएम मोदी ने आज एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया और अपनी सरकार की तारीफ की। सुनिए, यही देश है जो कभी आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे, जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। तो पीएम मोदी का ये भाषण आपको कैसे लगा? इन्होंने जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ की भी की, तो वहीं विपक्ष के नेताओं पर हमला भी बोला। पीएम मोदी का ये भाषण आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें जरूर बताइए। और देखते रहिए एबीपी लाइव।